मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम हमारे विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पादपों में पोषण। कि जो पौधे होते हैं छोटे, उनमें किस तरीके से पोषण होता है, वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं और किस तरीके से अपने आप को ग्रो करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में क्या पढ़ा है। देखिए, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और खनिज जो होते हैं भोजन के मुख्य घटक, यानी कि मुख्य भाग होते हैं। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और ये सभी पोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभी पोषक। क्या क्या चीज़ें पोषक कहलाती हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा और खनिज, ये सब तत्व जो हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। देखिए, अब सभी जीवों को अपने जीवन यापन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हमें भी आवश्यकता होती है भोजन की। पादप यानी जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं अपना खाना जो होता है स्वयं बनाते हैं, लेकिन मानव सहित कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, यानी कि कोई भी जीव जंतु या इंसान ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। खाना बनाने से मतलब ये नहीं है कि हमने बना लिया रोटी या नहीं बनानी है। खाना बनाने से मतलब है कि जो खाना बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम खुद नहीं बना सकते। आप बताइए, हम गेहूँ खाते हैं तो हम गेहूँ बना सकते हैं क्या? पेड़ पौधों से ही मिलता है हमें ना। इसी तरह से हमें सारी भोजन की जो सामग्री होती है वो जो है पौधों से मिलती है, इंसान या कोई भी एनिमल जो है उसे नहीं बना सकता है। वे पौधों और पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जंतु और मानव यानी इंसान और जो जानवर होते हैं वो दोनों या तो पौधों पर ही डिपेंड करते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं, या फिर वो पौधों को खाने वाले किसी और जानवर पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमने अगर हम मांसाहारी हैं तो हम किसी जानवर को खाते हैं और वो जानवर भी पौधों से ही अपना पेट भरता है, तो हम परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर करते हैं। परोक्ष यानी कि इनडायरेक्टली वे में, है ना, जो हमें पता ना चले, और प्रत्यक्ष रूप की हम सीधे सीधे ही पौधों से भोजन ग्रहण करें। तो दोनों ही तरीक़ों से हम कहीं ना कहीं जो हैं डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए पादपों के ऊपर। अब देखिए, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, पौधे जो होते हैं खुद कैसे बना लेते हैं अपना खाना, इस बारे में हम देखते हैं, ठीक है। पादपों में पोषण की विधि यानी कि पोषण विधि होती कैसी है इनके अंदर। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, केवल पादप होते हैं, सजीव चीज़ों में केवल पादप ऐसे हैं जो अपना भोजन निर्माण खुद करते हैं। किस किस की सहायता से करते हैं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से करते हैं, जल की सहायता से और खनिज, ये तीनों चीज़ों की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और इन सभी पदार्थों को अपने से ही प्राप्त करते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, खनिज है, ये खुद ही अपने आप से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। पोषक पदार्थ सजीवों की वृद्धि, शारीरिक संरचना तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। पोषक पदार्थ क्या? जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं। ये क्या काम आते हैं? जितने भी सजीव हैं इस दुनिया में, ठीक है, उनकी वृद्धि यानी कि उनके बढ़ने में, उनकी शारीरिक संरचना में, ठीक है, या फिर क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव में। क्षतिग्रस्त भाग मतलब जैसे किसी भाग को अगर नुकसान हो जाए, उसके रखरखाव के लिए या उसको ठीक करने के लिए समर्थ बनाते हैं। जैसे हमें अगर चोट लग जाए तो हमारे शरीर में जो ये प्रोटीन, विटामिन होते हैं, ये क्या करते हैं? उसको रखरखाव करते हैं और धीरे धीरे उसे सही कर देते हैं, ठीक है। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। और यही जो पोषक पदार्थ होते हैं, है ना, यही सारे पोषक पदार्थ जैव प्रक्रमों का मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना पचता है ना, हमारे अंदर ब्लड बनता है ना, जो दिल होता है वो धड़कता है, तो ये सारे हमारे जैव प्रक्रम हैं। और इन सब के होने के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा भी हमें
हमारे खाने से जो पोषक पदार्थ मिलते हैं उन्हीं के द्वारा मिलती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके अपने शरीर में उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। और जो ये सजीव हैं भोजन ग्रहण करते हैं और अपने शरीर में इस भोजन का उपयोग करते हैं, इसी विधि को क्या कहते हैं हम, पोषण विधि कहते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो पोषण वाली वो विधि जिसमें कोई भी जीव होता है अगर अपना भोजन खुद संश्लेषित करे, खुद अपना भोजन जो है ना खुद बनाए, वो तो होते हैं स्वपोषी या स्वपोषण कहलाता है। जैसे कि पौधे, ठीक है, पर सारे पौधे भी ऐसे नहीं होते जो अपना खाना खुद ही बनाए। जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो तो क्या हो रहे हैं, स्वयं पोषण उसको कहते हैं या स्वयं पोषी कहते हैं ऐसे पादपों को। ठीक है, लेकिन जंतु और अधिक कई अन्य जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी या परपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, परपोषी भी कहते हैं। अब ऐसे मतलब कि परपोषी कौन होते हैं, जो कि किसी दूसरे पादप का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, जो किसी अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं, उन्हें विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा कुछ विशेष भागों में निर्मित होता है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो जो अब तक हमने चैप्टर ये पढ़ा है उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या जो पौधे होते हैं वो सारे भागों से ही खाना बनाते हैं, या उनको जो रॉ मटेरियल, जो उन्हें कच्चा माल चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो जल उन्हें चाहिए, वो उन्हें किस तरह से मिलता है, और खाना जो है खाद्य फैक्ट्रियों तक किस प्रकार पहुंचता है। तो इन सब सवालों के जो जवाब है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए आप ये चैप्टर पढ़िए यहाँ तक और इसे रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।